अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वे चीन के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब यह अमेरिका के हित में भी होगा। एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधि अगले हफ्ते अमेरिकी दौरे पर आ रहा है। इसकी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटजर, वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और कोषालय मंत्री स्टीवन नूचिन समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, चीन के साथ व्यापार समझौता करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह अमेरिका के हित में भी होना चाहिए। केवल मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो अमेरिका के लिए बेहतर व्यापार समझौता करने में सक्षम है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है, बिडेन चीन को सब कुछ समेट कर दे देंगे। ट्रंप ने कहा, मैं एक ऑब्जर्वर की तरह आपसे कह सकता हूं कि बिडेन और उनके बेटे ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। वे कई देशों के साथ काम कर रहे हैं, इससे हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है। एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि बिडेन चुनाव जीतने के बाद चीन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे और वे सब कुछ उन्हें दे देंगे। क्या आप ऐसा चाहेंगे? वे यहां से सब कुछ समेट कर उन्हें दे देंगे। बिडेन के पास भ्रष्टाचार करने का अच्छा मौका, ट्रंप ने कहा। वे बिडेन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते, जबकि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं अपनी राजनीति को लेकर चिंतित नहीं होता, लेकिन अगर भ्रष्टाचार होता है तो मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी हूँ। बिडेन के पास ऐसा करने का अच्छा मौका है। व्यापार समझौता 100% अपने पक्ष में करेंगे, राष्ट्रपति ने कहा। चीन के साथ हमने अच्छे पल बिताए हैं, चीन के साथ हमारे बुरे पल भी आए हैं। फिलहाल हम उसके साथ व्यापार समझौता करने के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि ऐसा होता है तो यह अभी तक किए गए सबसे बड़ा समझौता होगा, लेकिन इसके लिए बातचीत करना बहुत ही कठिन है। यह समझौता हमारे पक्ष में 100% नहीं होने वाला है, लेकिन हम इसे बनाने जा रहे हैं।